हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल अंकिता ब्यूटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ अंकिता। तो गाइस, ये मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है इस टाइम साइमा दी का। तो उनका ये पिक था इंस्टाग्राम, तो वो पिक मैंने क्रिएट किया है। मैंने इंस्टाग्राम पिक क्रिएट किया है गाइस, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैंने क्रिएट कर पाई हूँ कि नहीं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेकअप स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को मेक श्योर लाइक शेयर, एंड मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर। सबसे पहले हम अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे गाइस। मेकअप का पार्ट होता है मॉइस्चराइजर। फर्स्ट, आपका स्किन अगर मॉइस्चराइज रहेगा, हाइड्रेट रहेगा, तो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। देन यहाँ पे मैं साइड का लगाऊंगी प्राइमर और टी जोन एरिया पे और चिक पे अपने अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। देन यहाँ पे लगाऊंगी सिस ब्यूटी का एलो इल्यूमिनेटर। इसको लगाने से आपका चेहरा बहुत ज़्यादा शाइन करता है गाइस। तो मैंने पूरे फेस में एज ए प्राइमर इसको अप्लाई कर लिया है। ये लाइटर्स आप हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, एज ए प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी इन साइड का ये लिक्विड फाउंडेशन। इसको डिप डिप करके अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी। मैं साइमा दी की तरह नहीं दिखना चाहती गाइस, बस उनका मैंने इंस्टाग्राम पे क्रिएट किया है, तो आप लोग प्लीज़ बैड कमेंट मत करना क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वो मेरी फेवरेट हैं। और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। अभी मैं पिक लगा दूंगी, आप देख लेना। और फिर यहाँ पे NYV का कंसीलर लेते हुए मैं अपने आई सर्कल को हाइड करूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, जैसा कि आप देख सकते हो। गाइस, कभी भी मेकअप करने से पहले अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से अपना मेकअप ब्लेंड करते हो तो आप ध्यान रखना, ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी से पानी में भिगो के पानी निचोड़ लेना, देन आप अप्लाई करना, बहुत अच्छे से आपका मेकअप फिक्स होगा। देन यहाँ पर इन साइड का ही लगाऊंगी मेरा इस 24 वाला, ये मेरा कॉम्पैक्ट है। और इसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लेके मैं अपना आई एरिया जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया था वहाँ पे सेट कर लिया है। देन यहाँ पे गाइस मैं लगाऊंगी आई शैडो। ये मेरा है स्किन कलर का ही है ट्रांसलूशन, और अच्छे से इसको ब्लेंड मैंने किया। फिर कॉर्नर में अपना अच्छे से थोड़ा सा इस आईज को मैं स्मोकी करना चाहती हूँ, उन्हीं की तरह क्रिएट करना चाहती हूँ। सेम तो नहीं क्रिएट हो पाया बट मैंने कोशिश किया है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक का कलर लेते हुए अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। और उसके बाद से फिर गोल्डन कलर मैंने पिक किया है गाइस। गोल्डन कलर पिक करते हुए अच्छे से मैं इसको ब्लेंड की हूँ ताकि मेरा आई स्मोकी लगे। फिर मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा था कम ज़्यादा, तो मैं इसको बराबर की। आप भी जब भी आई शैडो अप्लाई करना तो अच्छे से देख के दोनों आँखों में बराबर अप्लाई करना। देन गाइस मैं वही ट्रांसलूशन लेते हुए अपने लोअर लेसेस पे अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा मैं यहाँ पे कोई भी काजल अप्लाई नहीं कर रही हूँ, शैमा दी ने ऐसे ही किया था तो उसके अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, बाकी आप लोग बताना। और यहाँ पे मैंने लिया है इनसाइड का ब्लैक लिक्विड आईलाइनर और इससे मैं अपना आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। देन यहाँ पे इनसाइड का मस्करा मैंने अप्लाई किया और इसी मस्करा को लोअर लेसेस पे भी अप्लाई कर लूँगी क्योंकि मैंने कोई फेक आई लेसेस मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ, जैसा कि साइमा दीदी ने की थी। और यहाँ पे मैं अपना आईब्रो फिल कर रही हूँ। ये मेरा आईब्रो NYV का है। दिन गाइस मैं यहाँ पे मेकअप फिक्सर की हेल्प से अपना मेकअप को फिक्स कर लूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको डैब डिप कर लूँगी, अपना मेकअप फिक्स कर लूँगी। जैसा कि ज़्यादा कहीं क्रीम लगा होता है, पाउडर लगा होता है, तो वो एक्स्ट्रा आपका निकल जाता है और आपका फेस नेचुरली ग्लो करता है। देन यहाँ पे मैं ग्लैम 21 का HD हाईलाइटर अप्लाई करूँगी और हाईलाइटर की हाईलाइटर ब्रश की हेल्प से हाईलाइट एरिया पे जहाँ जहाँ मुझे नीड है वहाँ वहाँ मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का मैट लिक्विड लिपस्टिक मैंने अप्लाई किया। ये मेरा सेट नंबर है 02 है। और इसको मैं आउटलाइनर बनाते हुए अच्छे से मैंने फिल कर लिया है गाइस। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है, आप लोग कमेंट करके बताना मेकअप कैसा हुआ है गाइस। मैंने पूरा कोशिश किया था कि शर्मा जी की तरह मैं उनका मेकअप क्रिएट करूँ, उनका इंस्टाग्राम पे क्रिएट करूँ, तो बाकी आप लोग बताना कि मैंने
क्रिएट कर पाई हूँ कि नहीं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि से स्टाइल साइमा दी के पास ये वीडियो चला जाए प्लीज़। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने क्रिएशन कैसे किया है, नेक्स्ट किसका क्रिएशन आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।